नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स की, और उसी के साथ बीटीसी का प्राइस फिर से एक इम्पोर्टेंट जोन पर आ चुका है। तो क्या यहां पर प्राइस में और ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है या फिर बीटीसी के प्राइस में फिर से एक बड़ा पंप आने वाला है? सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अपडेट्स की। ऑस्ट्रेलिया से एक बड़ी अपडेट है, ऑसिस गैस स्टेशन ऑन द रन इज नाउ एक्सेप्टिंग क्रिप्टो करेंसी एज अ पेमेंट मेथड अक्रॉस इट्स 175 आउटलेट। जहां पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो गैस स्टेशन है वहां पर उनके द्वारा एक बड़ी कंपनी है जिसके द्वारा यहां पर क्रिप्टो करेंसी को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट किया जा रहा है। ऐसी अनाउंसमेंट यहां पर इन्होंने की है, मतलब क्रिप्टो को इसमें आप देख सकते हैं, बीटीसी को भी यहां पर इन्होंने गैस के लिए अवेलेबल किया है, और उसी के साथ जो अदर गुड्स और सर्विसेज इनके द्वारा यहां पर प्रोवाइड की जाती है वहां पर भी ये बीटीसी को और क्रिप्टोस को यूज करने वाले, मतलब ऑलमोस्ट यहां पर 175 आउटलेट्स हैं इनके जहां पर ये यूज करने वाले हैं। तो एक काफी बड़ा एरिया है जो कहने के ये कवर करने वाले हैं, जो यहां पर कस्टमर्स के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। जो क्रिप्टो में यहां पर पेमेंट करना चाहते हैं या फिर क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है उनके लिए एक पॉजिटिव अपडेट है, पे फॉर पेट्रोल कॉफी सैंडविचेस इन क्रिप्टो। जहां पर आप देख सकते हैं पेट्रोल हो, कॉफी हो, सैंडविचेस हो, हर चीज के लिए यहां पर जो क्रिप्टो है उसका यूज होने वाला है। गुड्स और सर्विसेज के लिए क्रिप्टो का यूज होने वाला है। OTR इज पार्टनर विद crypto.com एंड पेमेंट टर्मिनल प्रोवाइडर DataMesh ग्रुप टू लॉन्च ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट इन स्टोर क्रिप्टो पेमेंट्स। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं OTR के साथ यहां पर crypto.com की पार्टनरशिप हुई है, और उसके थ्रू यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया के स्टोर्स है उसमें क्रिप्टो को एज अ पेमेंट यूज किया जाने वाला है। अब आते हैं अगली अपडेट की, जो इथेरियम से जुड़ी है। इथेरियम इज अप 100% सिंस इट्स बॉटम इन जून, मैसिवली आउट परफॉर्मिंग बीटीसी। जहां पर अगर हम इथर की बात करें, वर्ल्डवाइड नंबर 2 का कॉइन है, और इसने यहां पर बीटीसी को कहीं ना कहीं लास्ट 1 मंथ में अच्छा खासा पीछे छोड़ा हुआ है। मतलब अगर हम इथेरियम की बात करें, लास्ट जून में इसने यहां पर अपने बॉटम को हिट किया था। ऑलमोस्ट यहां पर इसका जो प्राइस था वो $880 के आसपास चले गया जून 19 को, यहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें अभी के समय अगर हम देखें तो 106% की ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब यहां पर 100% से ज्यादा इसका प्राइस बढ़ चुका है, और यहां पर बीटीसी को इसने आउट परफॉर्म कर दिया। अगर आप बीटीसी कंपेयर करेंगे तो बीटीसी का जो प्राइस था उसने भी यहां पर जो लो है हिट किया था $17,601 का जून 19 को उसी दिन, और अभी अगर आप देखें उससे लगभग 31% ऊपर चल रहा है अगर हम आज के ट्रेडिंग प्राइस की बात करें। लेकिन अगर हम इथेरियम में अच्छा खासा पंप देखने को मिला है, और इसका रीजन है यहां पर इथेरियम का जो मर्ज है वो आने वाला है, बिग अपग्रेड इन द इथेरियम ब्लॉकचेन कॉल्ड द मर्ज। जहां पर आप देख सकते हैं जो इथेरियम ब्लॉकचेन है उसमें एक बड़ा अपग्रेड देखने को मिलने वाला है, जो मर्ज आने वाला है। इस वजह से यहां पर जो ईथर है उसके प्राइस में एक बड़ा पंप देखने को मिला। अगर हम इस मर्ज की बात करें, नेक्स्ट मंथ में ये इवेंट होने वाला है, और जब भी किसी कॉइन का इवेंट होता है उससे पहले उस कॉइन का प्राइस में एक अच्छा खासा पंप देखने को मिलता है, और इवेंट के बाद डाउनफॉल भी देखने को मिलता है। तो यहां पर सही समय होता है इवेंट से पहले एंट्री लेने का, और इवेंट जब आए या प्राइस यहां पर डाउन में जाए तो फिर सेल करके फिर से यहां पर उसे बाय कर सके। अगर हम एनालिस्ट का देखें यहां पर जो क्या, अगर हम एनालिस्ट की बात करें उनका ये कहना है कि अगर यहां पर इथेरियम अपग्रेड को लेकर, मतलब जो मर्ज है उसको लेकर डिले होता है, तो कहीं ना कहीं यहां पर फिर से जो प्राइस है उसमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर हम यहां पर इथेरियम मर्ज की बात करें, यहां पर जो मर्ज है वो September 15 को होने वाला है, मतलब काफी टाइम से यहां पर ये डिले हो रहा है। इथेरियम अपग्रेड कॉल द मर्ज इज स्लेटेड टू टेक प्लेस ऑन September 15। ब्लॉकचेन विल चेंज फ्रॉम अ सो कॉल्ड प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम टू अ मॉडल कॉल्ड प्रूफ ऑफ स्टेक। जहां पर प्रूफ ऑफ वर्क है, ये प्रूफ ऑफ स्टेक में अपने इथेरियम मॉडल को चेंज कर रहे हैं जो ब्लॉकचेन है, जिस वजह से अगर आप देखें यहां पर ये भी कहा जा रहा है जो फीस है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी, और उसी वजह से जो प्राइस है उसमें एक अच्छा खासा पंप भी देखने को मिला है। अब आते हैं अगली अपडेट की ओर, जो ह्यूबी के स्टेबल कॉइन से जुड़ी है। अनदर स्टेबल कॉइन फ्लक्चुएट वाइडली बिलो यूएसडी पेक टू $0.82 पर टोकन। जहां पर HUSD जो ह्यूबी का स्टेबल कॉइन है वो यहां पर डी पेक होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब यूएसडी के वैल्यू से आप देख सकते हैं इसका प्राइस जो है वो डाउनफॉल में आया। मतलब $1 का ये कॉइन है लेकिन $0.82 तक इसका जो प्राइस है वो यहां पर चले गया, मतलब लगातार यहां पर जो स्टेबल कॉइन्स है उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर निकल कर नहीं आ रही। इससे पहले भी काफी सारे कॉइन्स है जिन्होंने अपनी वैल्यू को यहां पर खोया और वो डी पेक होते हुए नजर आ रहे थे, और यहां पर भी आप देख सकते हैं अगस्त 17 को इसके प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिला। थोड़ा यहां पर ये रिकवर हुआ है, उसी के बाद अगर आप देखें यहां पर जो इनका ट्विटर हैंडल है वहां से भी अपडेट आई, वी आर अवेयर ऑफ द करेंट लिक्विडिटी इशू एसोसिएटेड विद HUSD स्टेबल कॉइन। जहां पर इन्होंने क्या हुआ है कि जो लिक्विडिटी इशू यहां पर एसोसिएट हो रहे हैं उनसे यहां पर हम अवेयर है और बहुत जल्द इसे हम रिकवर करेंगे। अब बात करते हैं मार्केट की, जो लास्ट 24 आवर्स में 3% डाउन में टोटल मार्केट के पहुंच चुका है $1.08 ट्रिलियन।
डॉलर वीकेंड का समय यहाँ पर आ रहा है और उसी के साथ बीटीसी के प्राइस में फिर से डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर जो काफी इंपॉर्टेंट रेंज थी 23-24 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन यहाँ से फिर से 22-800 के आसपास आ चुका है लास्ट 24 आवर्स में। ऑलमोस्ट यहाँ पर 2.72% डाउन में आया लास्ट 7 डेज में अगर हम देखें 5%। और काफी सारे कॉइन्स अगर आप यहाँ पर देखें लास्ट 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 6-7%, 8-10% तक गिर चुके हैं, जिनमें एक अच्छा खासा यहाँ पर पंप देखने को मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी कॉइन्स है वो यहाँ पर बीटीसी को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं और बीटीसी यहाँ पर अभी एक काफी इंपॉर्टेंट जोन में। अगर यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो 22,500 के ऊपर रहता है तो वो एक अच्छा साइन हो सकता है, और वीकेंड में अगर क्लोजिंग यहाँ पर 23 के ऊपर रही तो वो एक पॉजिटिव अपडेट होगी। लेकिन अगर यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो 22 के नीचे चले जाता है तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर जो बॉटम है वो देखने को मिल सकता है, और उसी के साथ जितने भी कॉइन्स है वो यहाँ पर उसे फॉलो करते हुए नजर आ सकते हैं। और कोई भी अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, वहां पर भी आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। अब हम आपको मिलते किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।